के पियारा में बंद है सुधा नवा आटी है के पियारा में बंद है सुधा नवा चमटिया के पियारा में बंद है सुधा नवा के पियारा में बंद है सुधा नवा नियंता परम शक्ति संता संपूर्ण सृष्टि की रचना की जिसमें जल चार थल चार नभ चार स्थावर जड़ जंगम चेतन अचेतन समुद्र नदी पहाड़ झरना सारा रचना किया। देवी देवता मनुष्य गंधर्व किन्नर यक्ष सबका रचना किया, लेकिन उसी रचना में मनुष्य का रचना सबसे ऊंचा बनाया जिसमें हम लोग हैं। और मनुष्य के रचना में विधाता केवल दो चीज अपने हाथ में रखे, परम शक्ति सत्ता दो चीज अपने हाथ में रखी जो नीचे की वाणी बोली है, ना ही बस के जियल बाट ना ही हो मरना। आपके जीवन के पुस्तक का जो मोटाई है उसका एक पेज जन्म दूसरा पेज मौत दो ही विधाता के हाथ में है। आप अपने मर्जी से न जन्म ले सकते हैं न मर सकते हैं। उनका जहां मर्जी होगा वहां जन्म देंगे, मर्जी होगा धनौती में देंगे, मर्जी होगा गौरी बाजार में देंगे, मर्जी होगा थाईलैंड में देंगे, मर्जी होगा बैंका अमेरिका में देंगे, ऑस्ट्रेलिया में देंगे, पाकिस्तान में देंगे, अफगानिस्तान में देंगे, आपके बस का नहीं है मैं कहाँ जन्म लूंगा। उनके ऊपर गरीब के घर जन्मेंगे अमीर के घर जन्मेंगे उनके बस का है, हिंदू के घर जन्मेंगे इस्लाम के घर जन्मेंगे मुस्लिम के घर जन्मेंगे आपके बस का है, आपके बस का नहीं है, विधाता के बस का है। और कब जन्म होना है वो भी उन्हीं के बस का है। मकान मालिक करोड़पति अरबपति के घर में जन्मेंगे, किसी कंपनी मालिक के घर में जन्मेंगे, कि झोपड़ी वाले दुकान में मरेंगे, कि मकान में मरेंगे, कि रास्ते में मरेंगे, कि डूब कर मरेंगे, कि बीमारी से मरेंगे, कि हार्ट अटैक से मरेंगे, आपको मालूम नहीं, आपके डॉक्टर को भी मालूम नहीं, केवल विधाता के हाथ में। यानी दो चीज विधाता अपने हाथ में रखते हैं और बीच का सारा बीच का जितना पेज होता है वह आपके हाथ में रहता है। या पापी बंदूक उठा ले या तो धर्म की माला, काया की बंदूक है साथी आत्मा धर्म की माला। जीने के लिए सभी जीते हैं दिव्य आत्माएं, जीने के लिए सभी जीते हैं। बीच का पुस्तक जो बताए, बीच का पुस्तक आपके हाथ में है। कोरा कागज दे दिया गया, दिया इस जुबान से उसको गाली देंगे, इस जुबान से उसका विनती करेंगे, या आपके बस का है। मानव के बस का है दिव्य आत्माएं, मानव जैसा जैसा सोचता है और जैसा संगत करता है वैसा ही वह बन जाता है। अभिमान तो ऐसे दिव्य आत्माएं होते हैं कि अभिमानी व्यक्ति अपने आगे किसी को जानता नहीं। एक बाणी सर्वात्मा रंजे की, एक बाणी ऐठन जिसे बोले ऐठन अभिमान। अभिमान जब मन में आ जाता है दिव्य आत्माएं तो वही विनाश होता है, वही परमात्मा परम शक्ति सत्ता और सच्चे 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 मार्ग से अलग करता है। और सुखी वही भी है, मैं आपसे कह दूं वही सुखी भी है जिस जो अहंकार से विरक्त हो गया, जिसके अभिमान नहीं है, जिसमें अभिमान नहीं है।